हेलो, गुड इवनिंग और नमस्ते। मैं आपकी प्यारी गौरी लव टीवी में आपके फेवरेट प्रोग्राम सुनो प्रेमियों में आपका स्वागत करती हूँ। आज का हमारा सवाल ये है कि लड़के हमारे पीछे पड़कर आई लव यू कहें तो उस वक्त लड़कियों को आखिर कौन सा फैसला लेना चाहिए और कैसे रिएक्ट करना चाहिए। चलिए, हमारा पहला कॉलर रेडी है, उनसे बात करते हैं। हेलो, कहाँ से बात कर रहे हैं और आपका नाम क्या है? हेलो बेबी, लव यू। आज का सवाल पता है आपको? रिपीट प्लीज। कोई लड़का अगर हमारे पीछे पड़कर आई लव यू कहे तो? क्या बोले? तो आई लव यू। थैंक यू शोना, इतने दिनों बाद तुम्हें मुझसे प्यार हुआ है ना, इतना ही काफी है। लगता है आपका कान ठीक से काम नहीं कर रहा। मैं बात कर रही हूँ लड़कों के बारे में। अगर कोई लड़का आई लव यू कहे तो लड़की को कैसे रिएक्ट करना चाहिए? सिंपल है, तुरंत मांग कर किस कर देना चाहिए। सर, कट करने के लिए बोल रही है। उसी की वजह से तो प्रोग्राम चल रहा है, डिमांडिंग है, चलने दो। ये तो आपका फैसला है ना? ये सिर्फ मेरे अकेले का फैसला नहीं है, जवान हुए हर लड़के का यही फैसला होता है। अच्छा, ये बताइए आपके लिए कौन सा गाना प्ले करूं? आहा, कैमरे के सामने कितनी ब्यूटीफुल लगती हो मेरी जान। एज यूजुअल, गौरी अम्मा तुम्हारा पति कौन है, ये गाना बजाओ। हाँ बिल्कुल बजाऊंगी, सुनिए और एंजॉय कीजिए। हेलो हेलो बेबी, लव यू। फेशियल से पेडिक्योर तक सब कुछ करवाओ। तुम खूबसूरत दिखोगी तो मुझे अच्छा लगेगा ना। मुझसे परेशान होकर अगर गौरी को थोड़ा सा भी सुकून किसी से मिलता है तो उसकी वजह है जूजू, क्योंकि मैं डायनासोर को देखकर भी नहीं डरता लेकिन जूजू को देखकर मेरी निकल जाती है सूसू। जानते हो मुझे बचपन में तुम्हें कुत्तों से बच के रहना होगा, एक पंडित ने ऐसा कहा था, इसलिए तब से मैं कुत्तों को देखकर भयानक डर जाता हूँ। जब भी गौरी के पीछे मैं होता हूँ तो मेरे पीछे होता है जूजू। अब मुझे छोड़कर इस कहानी में आने वाले मेन कैरेक्टर्स को देख लीजिए, हमारी जिंदगी में क्या होने वाला है देखते रहिए, पता चल जाएगा। नमस्ते, मैं हूँ आपकी प्यारी गौरी, लव टीवी पर सुनो प्रेमियों प्रोग्राम में वैलेंटाइंस डे स्पेशल में आपका स्वागत करती हूँ। तो हमारा आज का सवाल है, प्यार में एक भ्रष्ट प्रेमी क्या बातें करता है और प्यार में बेस्ट प्रेमी क्या बातें करता है? आपका जवाब एक ही लाइन में होना चाहिए मगर आप सबके जवाब अलग अलग होने चाहिए। आज के इस स्पेशल एपिसोड को जज करने आए हैं स्पेशल गेस्ट, सो प्लीज वेलकम आवर स्पेशल जजेस। हेलो हेलो, बलून्स इतने ही हैं क्या? पीछे से एम्प्टी दिख रहा है सर। हाँ बोलिए। प्यार के लिए अपनी जान देना एक सच्चे प्रेमी की निशानी है, जान के लिए प्यार का बलिदान भ्रष्ट प्रेमी की निशानी है। Very good. Next. पास रहना हर एक प्रेमी को पसंद आता है लेकिन दूर रहने में हर प्रेमी को कष्ट होता है। ये तो ठीक है लेकिन ये कोई ऐसा आंसर नहीं है जिसे ना मिले, आप में से कोई तो एक होगा जो बेस्ट आंसर देके वैलेंटाइन का प्राइज जीत सके। आई लव यू, आई लव यू। I love you, but ये एक भ्रष्ट प्रेमी की बात है, but I love you, ये एक बेस्ट प्रेमी की बात है। नहीं समझे क्या? मैं तुमसे प्यार करता हूं मगर जाति धर्म भेद अंतर ये सब भ्रष्ट प्रेमी की बात है, जाति धर्म नीति जायदाद, बट मैं तुमसे प्यार करता हूं ये एक बेस्ट प्रेमी की बात है। थैंक यू थैंक यू baby. Hey young man, congrats. Thank you sir, thank you. Sir, सिर्फ congrats बोलने से नहीं चलेगा, मेरी एक इच्छा है सर, ये गौरी मेरी favorite, मैं इसका बहुत बड़ा fan, रोज follow करता हूँ ना। Sir,
इनके हाथ से प्राइज लेना मेरा ड्रीम है सर। अभी जो प्राइज जीता है वो इनके हाथों से दिलवा दीजिए ना। हैप्पी वैलेंटाइंस डे। थैंक यू सर। हाँ थैंक यू। जवाब बहुत अच्छा था। हाँ छोड़ो। डायलॉग बोलकर मैंने अपना टैलेंट प्रूव किया है, इतनी आसानी से कैसे छोड़ दूँ। लव यू। कांग्रेचुलेशंस। अब कैमरे के बाहर भी तुम बहुत ही अच्छी दिखती हो मेरी जान। तुम्हारी लिप्स भी बहुत अच्छे हैं जानू। थैंक यू। हाँ छोड़ो वरना मार खाओगी मेरे। अरे क्यों इतना परेशान हो रही हो, तुम्हारे हाथ पकड़ने से मुझे कितना मजा आ रहा है जानती हो। तो ये है लकी की जिंदगी। लकी की जिंदगी में सिर्फ दो ही गोल हैं। पहला मालूम नहीं लेकिन दूसरी गौरी। यू वॉन्ट टू सी, वॉच इट। दिस इज फॉर यू, फॉर यू एंड यू। वाओ कूल ड्रेस डूड। ओह या थैंक यू। हे यू हैव अ ग्रेट टेस्ट। हां आई एम लकी। यू एमी, यू मेघा, यू रेमी। ओह गुड, सब ओके है। लेकिन डिटर्जेंट सोप के ऐड के लिए इतना सारा गेटअप क्यों? मैंने एटलीस्ट तुम्हें इतने कपड़े तो पहनाए हैं, लेकिन वो डब्बा डायरेक्टर बिकनी पहनाकर कपड़े धुलवाना चाहता था। सो सिली ना। आई नो, मैंने आपको पहले कहीं देखा है? देखने का चांस ही नहीं है। आई वॉज इन हॉलीवुड। हॉलीवुड? या हॉलीवुड। अंग्रेजों के साथ काम कर करके मैं परेशान हो गया हूँ, इसलिए मेरा टैलेंट मेरे ही देश में प्रूव करने के लिए मैं आ गया हूँ बॉलीवुड। हर कोई यहाँ से वहाँ जाना चाहता है, तो फिर आप वहाँ से यहाँ क्यों आ गए? मैं ऐसा ही हूँ, थोड़ा सा डिफरेंट हूँ। आप अपना डायलॉग पढ़ो। कैन आई हैव योर नंबर? सेल फोन? मी? आर यू किडिंग? भीख मांगने वाले के पास भी मोबाइल रहता है, तो मैंने तो यूज करना ही छोड़ दिया। जब मैं यूज करता था तब 32 रुपीस आउट गोइंग, 16 रुपीस इनकमिंग। ए आई एम गेटिंग अ सैट फोन। सैटेलाइट फोन। हेलो, बिल भरेगा या फोन कट कर? सर इस बार पक्का भर दूंगा सर, काटना मत प्लीज। प्लीज हमेशा यही बोलते रहते हो तुम। सर प्लीज सर ऐसा मत कीजिए, कट मत कीजिए प्लीज सर। पहले बिल भरो उसके बाद फोन का इस्तेमाल करो। इंटरेस्टिंग। वैसे तुम्हारे डैड क्या करते हैं? माय डैड ओन्स अ ग्रेनाइट फैक्ट्री। व्हाट अबाउट योर मॉम? माँ तो बहुत बिजी है, मना करने के बाद भी समाज सेवा करती रहती है। के पास इतना है तो आप खुद ही ऐड क्यों नहीं डायरेक्ट करते? Are you kidding? इस फालतू से ऐड को मैं डायरेक्ट करूं? ये डब्बा ऐड बनाने के लिए डब्बा डायरेक्टर है ना। हेलो डायरेक्टर आ गए। या स्वीडी, उस डायरेक्टर को ही तो मैं डब्बा कह रहा हूं। उसे कोई डायरेक्टर बोलेगा तो वो डायरेक्टर पद का ही अपमान होगा, वो तो एक फालतू डब्बा है, वेस्ट बॉडी है। ओहो डायरेक्टर। अब सब रेडी है सर, आपके बारे में ही बात कर रहा था। हां सुना मैंने, मेरे ही बारे में बात कर रहा था तू। सर वो गेट लॉस्ट। आनंद, आनंद, यहाँ आनंद कौन है? ए, वो तुझे ही बुला रहे हैं। ये है मिस्टर आनंद। बेचारा अपना नाम ही भूल गया, लोग किसी और नाम से इसे बुलाते हैं। अब वो क्या नाम है अभी पता चल जाएगा। ये लीजिए सर। नमस्ते सर। नमस्ते। SSLC में 625 में 420। PUC में भी 600 में 420। सर मैंने रिवॉल्यूशन लिखा फिर मुझे 5 मार्क्स ज्यादा मिले थे। अगर ऐसा है तो 425 होना चाहिए था ना। बाद में इंग्लिश में 5 मार्क्स कम हो गए, वापस से 420 हो गया सर। इट्स नॉट माई मिस्टेक सर। सर 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 डिग्री के मार्क्स देखिए ना सर। उसे देखने की जरूरत नहीं है मुझे, उसमें भी 420 ही होगा। क्या सर बिना मार्क्स कार्ड देखे आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं? आपका चेहरा ही देखकर पता चलता है। प्लीज लीव। सर नौकरी मिलेगी ना? नौकरी वोकरी कुछ नहीं, चलो। सर मेरे मार्क्स अच्छे नहीं है क्या? मार्क्स तो अच्छे हैं। हाँ? लेकिन आपके जो नंबर्स हैं वो अच्छे नहीं है। 420। सर मेरी बात सुनिए। टाइम क्या हुआ? 420। आपने बुलाया you सर? गेट आउट। ए ओवर, बहुत ओवर कर रहा है तू। रिलैक्स डूड, चिल। ए पागल कहीं के, मेरे सामने स्टाइल मत मार। एक तो नौकरी नहीं मिली इसलिए मैं टेंशन में, ऊपर से ये होशियारी दिखा रहा है। अबे 420, तुझे इस जन्म में तो नौकरी नहीं मिलने वाली। ले अब तू रोज बस एक ही काम कर, इस प्लेट की सफाई करता जा। जैसे लोग तुझको ना बुला बुला के सामने से नौकरी दे रहे हो। हेलो, तू भी रिजेक्ट हो गया है, इसीलिए तुझको मिली है सिर्फ ये बकवास प्लेट। ए, इस प्लेट को तू बकवास कह रहा है? 200 साल पुराना एंटिक पीस है ये। वैलेंटाइंस डे में ये प्राइज रखा था तो मैं जीत कर आया था, पता है। और इसका फीचर ये है कि ये मुझे मेरी गौरी ने अपने हाथों से दिया। विंबलडन प्लेट से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ए लकी,
यार हमें आखिर नौकरी कब मिलेगी? नौकरी? हाँ, हमें नौकरी की क्या जरूरत है? हाँ? हमारे लिए नौकरी करने वाला एक है ना, कहाँ है वो? अभी तक आया नहीं। रीटा प्लीज मना मत करना, ये गिफ्ट ले लो। देखो अंश, मैं अभी बता देती हूँ, अगर तुम मुझे ये गिफ्ट देना चाहते हो तो तुम्हें मेरे साथ यूएस आना होगा। यहाँ सब कुछ छोड़ के कैसे आओ? क्या है यहाँ, उन छपरियों को छोड़कर नहीं आ सकते क्या? वो लोग मेरे फ्रेंड्स हैं यार। वो लोग मुझसे बढ़कर हैं क्या? देखो अंश, या तो मैं या वो लोग, डिसाइड कर लो। अरे यार, यहीं कहीं रखा था। यार मेरा अंडरवियर नहीं मिल रहा है। क्या अनुमान, आज लेट हो गया? ये क्या, रूम को इतना गंदा कर दिया, थोड़ा साफ नहीं रख सकते? अबे 420, ये बड़ा साहब नीटनेस के बारे में बात कर रहा है। अरे हनुमान, तेरी नीटनेस के बारे में हमें सब कुछ पता है, पुराना स्कूल। राम भक्त हनुमान, राम भक्त हनुमान। जिस दिन तेरी नाक बहनी बंद होगी उसी दिन तुझे क्लास में बैठाऊंगा। तू, तेरी तो स्कूल के वक्त तेरा नाक पूरा का पूरा भरा रहता था और हमें नीटनेस सिखा रहा है। तुम लोगों को नीटनेस सिखाएगा? अबे नाक से नदी बहाने वाले, इधर आ। अरे अभी तक सोए हो? अरे उठो, जरा दुनिया देखो। ए हनुमान, जाकर अपना काम देखना, मैं जो दुनिया देख रहा हूँ ना वो तूने नहीं देखी है। ए लकी, तुझसे कुछ बोलना बेकार है। देख, जहाँ जहाँ इंटरव्यूज है सारी डिटेल्स इस पेपर में है, इंटरव्यूज में जाओ, मिस मत करना यार। यार लकी, और टाइम पे खाना खा लेना। हाँ, ये पैसे कहाँ रखूँ? पेपर वहाँ पे रख, पैसा यहाँ पे रख। घूर क्या रहा है बे, मेरे पैर के पास पैसे रख, आशीर्वाद ले और चला जा। जल्दी कर, जल्दी कर, जल्दी कर। जब देखो बकवास करता रहता है। अरे क्या डिस्टर्ब कर रहा है यार तू मुझे। और सुन, जाते समय ना भगवान के सामने हाथ जोड़ के जाना, अच्छा होगा। अबे चुपचाप जाना यार, अगर भगवान के सामने हाथ जोड़ने के बाद सब कुछ ठीक होता तो सारे पंडित अंबानी के रेंज में रहते। भगवान बोल रहा है, भगवान। अबे क्या कर लेगा तेरा भगवान, पत्थर के सामने हाथ जोड़ते हैं सब लोग।